everyone, this is Zain ul Arfeen from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के 6th चैप्टर की that is titled as inheritance. अब inheritance basically है क्या? अगर हम उर्दू में कहें तो इसको विरासत कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम खानदानी विरासत की बात नहीं कर रहे, यानी प्रॉपर्टी और पैसे की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जिस विरासत का जिक्र है वो विरासत है हमारी जीन्स की विरासत, यानी कि वो क्वालिटीज़ और ट्रेड्स जो हम अपने पेरेंट्स से और हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। यानी कई बार आपको किसी ने कहा होगा कि यू लुक लाइक योर फादर और यू लुक लाइक योर मदर। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपके फेशियल फीचर्स, आपके बालों का कलर, आपकी आँखों की शेप, आपकी आँखों का रंग, हो सकता है ये एग्जैक्टली या आपके मदर की कॉपी हो या आपके फादर की कॉपी हो। वो किस तरह है? वो इसी इनहेरिटेंस की वजह से है कि इसी इनहेरिटेंस की वजह से आप ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से लेते हैं। दैट्स व्हाई यू लुक लाइक योर पेरेंट्स। अब इनहेरिटेंस के बारे में बात करने से पहले हम जानना ज़रूरी है कि इनहेरिटेंस बेस किस चीज़ पे करी होती है, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है हमारे जीन्स और हमारे क्रोमोसोम्स के थ्रू, और इस सेक्शन में हम उसी के बारे में बात करें। इनहेरिटेंस का एक दूसरा नाम हेरिडिटी भी है, और इसी को स्टडी करने के लिए एक पूरी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसे मुख्तस किया गया है, और इस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स जीन से निकला है, यानी जीन्स की स्टडी। अगर हम प्रिसाइसली डिफाइन करें तो जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, genetic variations and heredity in organisms. अब ये सारा का सारा कुछ हम स्टडी कर रहे होते हैं जेनेटिक्स में, लेकिन ये किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है वो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उन करेक्टरिस्टिक्स को हम एक्चुअली कहते हैं ट्रेट्स। अब ट्रेट्स यानी कि आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, आपकी फेस की शेप, ये चीज़ें आपकी ट्रेट्स हैं। ये ट्रेट्स ट्रांसफ़र कैसे होती हैं? वो एक ख़ास यूनिट के थ्रू होती हैं, और उस यूनिट को हम कहते हैं जीन्स। और जीन्स क्या हैं? जीन्स हमारे पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं, यानी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी होती है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, वो सारी की सारी हमारी जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब जीन्स इटसेल्फ जो हैं वो डीएनए से बने होते हैं। हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी है वो डीएनए की फॉर्म में होती है। डीएनए ने मिलके हमारे जीन्स बनाए होते हैं। और अगर हम जीन की एक टेक्निकल डेफिनेशन बताएं तो वो कुछ ऐसे है: द पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज अ जीन। यानी कि डीएनए का पार्ट वो वाला जो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन के लिए सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जिसने स्टोर की हों, उस पार्ट को हम कहते हैं जीन। अब जीन जो है वो मिलजुल के क्या बना रहे होते हैं? वो क्रोमोसोम्स बना रहे होते हैं, यानी जीन एक अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, वो भी यूजुअली क्या होता है कि वो पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। द टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी अगर एक ही क्रोमोसोम है, लेट्स से वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसका एक नहीं, उसमें 2 क्रोमोसोम्स होंगे। वो जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या हैं? वो एक दूसरे के साथ होमोलोगस हैं। होमोलोगस का मतलब है कि उनमें जो जीन्स हैं डिफरेंट टाइप के, हमारे पास हर जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं, तो एक क्रोमोसोम पे एक कॉपी और दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरी कॉपी, और वो कुछ एग्जिस्ट इस तरह से कर रही होती हैं कि आपकी जीन की जो लोकेशन है वो सेम रहती है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ब्लू वाले क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर का जो लोकस है जहाँ पे ब्राउन लिखा हुआ है, उसी सेम जगह पे दूसरे क्रोमोसोम में हमारे पास आई कलर का एक और जीन है दैट इज़ ब्लैक। सेम इज़ द केस विद हेयर कलर, कि जहाँ पे आपका हेयर कलर का जीन है उसी जगह पे दूसरे क्रोमोसोम में आपका हेयर कलर का एक और जीन है। अब ये एक्सप्रेस किस तरह से होते हैं, ये पैटर्न्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड इस तरह से होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड सीधे से डीएनए से नहीं बने होते। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स किस्म के एक मटेरियल से बने होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स कौन सी हैं? वो मेनली हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब जैसे कि आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि किस तरह से जो आपका डीएनए है वो एक कॉइल्ड फॉर्म में प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा होता है। वो लिपट के आगे मिलजुल के एक पूरा क्रोमोसोम बना रहा होता है जिसके डिफरेंट आर्म्स भी होते हैं। और वो आर्म्स जो हैं वो एक ख़ास जगह पे जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं वहाँ पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एज अ होल क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो बेसिकली एक ख़ास स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है और वो स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स को अगर हम एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहें तो वो ये है कि डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म्स राउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लिपटा होता है। और यूजुअली हिस्टोन प्रोटीन्स के जो हैं ये चार हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उनके सेट बने होते हैं और वो डीएनए से बाउंड होते हैं। अब वो बाउंड किस तरह से होते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स जो चार के स्ट्रक्चर्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए के, उसके दरमियान का एक पोर्शन डीएनए का होता है, उसको हम यूजुअली लिंकर डीएनए या डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, वहाँ पे भी मौजूद होता है। और उसने लिंक किया होता है एक अगले न्यूक्लियोसोम को पिछले न्यूक्लियोसोम के साथ। और वहाँ भी यही होता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स का एक जो है वो टेट्रामर होता है, यानी कि चार हिस्टोन प्रोटीन्स ने मिलकर कि चार हिस्टोन प्रोटीन्स का टेट्रामर एक दूसरे टेट्रामर के साथ बाइंड हुआ होता है, यानी टोटल 8 हो जाती हैं और उसके ऊपर डीएनए रैप हुआ होता है। और इन स्ट्रक्चर्स को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। अगर न्यूक्लियोसोम्स को हम देखें तो दे लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि मोती जो हैं डिफरेंट एंगल्स पे पिरोए हुए हैं एक तार के अंदर। अब यहाँ से सारा कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुँच गए? हम डीएनए तक। तो डीएनए को बेसिकली किसने पहली बार स्टडी किया? वो स्टडी किया हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने डीएनए का एक मॉडल दिया जिसे हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। अब 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था और इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए का स्ट्रक्चर बताया गया वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है जो हम मॉडर्न स्टडी से कंपेयर करें तो उन्होंने कहा क्या कि जो डीएनए है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, वो डबल स्ट्रैंडेड है। और डायग्राम में भी आप जो देख सकते हैं 2 रेड कलर के स्ट्रैंड्स हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये सीधे नहीं है, बिल्कुल ये कॉइल फॉर्म में होते हैं कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट जो हैं वो लिपटे होते हैं, जैसे कि जो आपके पास कॉइल यहाँ पे फॉर्म नज़र आ रही है। फिर ये मिलजुल के एक डबल हेलिक्स बना रहे होते हैं। उस डबल हेलिक्स की जो बेस है, यानी कि जो रेड सारा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। और इसके दरमियान में जो है वो नाइट्रोजनस बेसेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उन नाइट्रोजनस बेसेस ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाए होते हैं। अब नाइट्रोजन जो बेसेस हैं उनके नाम ये हैं कि एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है, जबकि ग्वानीन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। और इसी बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और ये एक यूनिक किस्म का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं जो आगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिजम्स में।